अजय सिंह राहुल को साथ लेकर बावरिया गए दिल्ली, झूमाझट की धक्का मुक्की को नकारा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया अपने 4 दिवसीय प्रवास के 3रे दिन ही अचानक दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी दिल्ली गए। श्री बावरिया के अचानक दिल्ली जाने को लेकर यहां कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन बावरिया ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए बताया कि अचानक पार्टी कार्यालय से मीटिंग कॉल है, इसलिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का 28 जुलाई से 31 जुलाई तक रीवा संभाग का प्रवास था, जिसमें कांग्रेस की टिकट के दावेदारों से उन्हें 1-on-1 करना था। सतना और रीवा के कांग्रेस दावेदारों से मिलने के पश्चात वे बीती शाम सीधी गए थे। उसके बाद सिंगरौली में दावेदारों से मिलना था, लेकिन अचानक कार्यक्रम परिवर्तन के चलते सिंगरौली के दावेदारों को भी आज ही सीधी बुलवा लिया। खास बात यह थी कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक में लगभग 25 दावेदारों से मुलाकात कर सीधी से रीवा होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी दिल्ली रवाना हुए। गत दिवस रीवा में कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया द्वारा मुख्यमंत्री के मामले में कमलनाथ और सिंधिया का नाम लेने के बाद स्थानीय राहुल समर्थक खासा नाराज हो गए थे। विधायक सुखेंद्र बन्ना के समर्थकों पर झूमाझटकी के आरोप लगे। यह खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैली और आनन फानन में प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुरक्षा दिलवाने की बात कही, लेकिन दीपक बावरिया ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। साथ ही गृह मंत्री से कहा है कि मुझे किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कार्यकर्ता ही मेरे सुरक्षा कवच हैं। अलबत्ता दीपक बावरिया का अचानक दिल्ली जाना कई कयासों को जन्म दे गया है। वहीं कल की घटना के बाद गुटबाजी एक बार फिर बढ़ने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता।